हेलो दोस्तों, मैं अर्जुन राजपूत और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप अमेज़ोन पे सेल करते हैं और आप एक ब्रांड ओनर है, मतलब आप अपनी खुद की ब्रांड से अमेज़ोन पे प्रोडक्ट सेल करते हैं और आपके ब्रांड का जो ट्रेडमार्क है वो एक्टिव रजिस्टर्ड स्टेज में है, तो बहुत सारे ऑप्शंस जो है वो हमें प्रोवाइड करवाता है अमेज़ोन, तो उन्हें हमें एक बार जरूर ट्राई करके देखना चाहिए। बहुत सारे बेनिफिट्स जो है वो हमें इससे मिल सकते हैं। तो क्या क्या वो ऑप्शंस है, क्या क्या वो फीचर्स हैं जो एक ब्रांड ओनर को अमेज़ोन प्रोवाइड करवाता है और एज ए ब्रांड ओनर हमें वो चीज़ें जो है वो ट्राई करके देखनी चाहिए, उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहला जो फीचर आता है वो होता है अमेज़ोन ब्रांड रजिस्ट्री। देखिए, अगर हमारा ट्रेडमार्क जो है वो रजिस्टर्ड है और हम ब्रांड ओनर हैं तो हम अमेज़ोन की जो ब्रांड रजिस्ट्री है वहाँ पे एनरोल कर सकते हैं। अब अमेज़ोन की ब्रांड रजिस्ट्री में एनरोल करने का फ़ायदा ये होता है कि काफ़ी सारे टूल जो है वो हमें अमेज़ोन प्रोवाइड करवाता है, जिसकी वजह से हम चेक कर सकते हैं अमेज़ोन के ऊपर कि कहाँ कहाँ पे हमारे ब्रांड का जो है वो नेम यूज़ हो रहा है, कोई हमारे ब्रांड नेम का मिसयूज़ तो नहीं कर रहा, कोई हमारे ब्रांड नेम से जो है वो फेक प्रोडक्ट तो नहीं सेल कर रहा, और कहाँ कहाँ पे हमारे प्रोडक्ट की अगर कोई कॉपीराइटेड इमेज है, कोई कॉपीराइटेड कंटेंट है, तो वो कहाँ पे अमेज़ोन में जो है वो यूज़ हो रहा है। तो इससे काफ़ी बेनिफिट मिलता है हमें वॉयलेशन जो है वो रिपोर्ट करने के लिए, और अमेज़ोन की स्पेशल एक टीम भी है ब्रांड रजिस्ट्री की जो हमें इससे रिलेटेड जो है वो क्वेरी हमारी सॉल्व करती है। दूसरा, हम अगर हमारा ब्रांड जो है अमेज़ोन की ब्रांड रजिस्ट्री में एनरोल करते हैं तो काफ़ी सारे फीचर हमें सेलर सेंट्रल में अमेज़ोन भी जो है वो प्रोवाइड करवाता है। ब्रांड रजिस्ट्री में हमें एनरोलमेंट करने के लिए विजिट करना होता है ब्रांड सर्विसेज डॉट अमेज़ोन डॉट इन पे, वहाँ पे जाके हम इसकी एलिजिबिलिटी जो है वो चेक कर सकते हैं कि क्या क्या जो है वो इसकी एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया है और हम इसको फुलफिल करते हैं कि नहीं करते। अगर हम एलिजिबल है तो वहाँ से जो है वो ब्रांड रजिस्ट्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर जो है अमेज़ोन ब्रांड ओनर्स के लिए प्रोवाइड करवाता है कि अगर हमने अपना ब्रांड जो है अमेज़ोन की ब्रांड रजिस्ट्री में एनरोल कर रखा है तो नेक्स्ट जो ऑप्शन हमें मिलेगा वो मिलेगा अमेज़ोन ब्रांड स्टोर। हम हमारे ब्रांड के लिए अमेज़ोन पे अपना जो स्टोर है एक अलग से वो क्रिएट कर सकते हैं। ब्रांड स्टोर आपने देखा होगा, मोस्टली बड़े बड़े ब्रांड्स अमेज़ोन पे क्रिएट करके रखते हैं। अब ब्रांड स्टोर का ये फ़ायदा होता है कि आप एक मल्टी पेज स्टोर जो है वो अमेज़ोन की वेबसाइट पे ही क्रिएट कर सकते हैं अपनी ब्रांड के लिए, जहाँ पे आपको एक तो आपकी ब्रांड का URL मिल जाता है, लाइक amazon.in/ आपकी ब्रांड का जो नाम है। जैसे मान लीजिए मेरा ब्रांड का नाम अर्जुन है, तो मैं जो है amazon.in/arjun पे अपना जो ब्रांड स्टोर है वो बना सकता हूँ। दूसरा, ब्रांड स्टोर में मैं अपने जितने भी प्रोडक्ट हैं उनको अच्छे से शोकेस कर सकता हूँ कैटेगरी वाइज, कि जो भी कैटेगरी है उसमें जितने भी मेरे ये प्रोडक्ट्स हैं वो मैं कैटेगरी के हिसाब से शोकेस कर सकता हूँ। उसमें वीडियो जो है वो ऐड कर सकता हूँ, उसके अंदर बैनर्स जो है वो ऐड कर सकता हूँ। तो ब्रांड स्टोर का हमें ये फ़ायदा होता है कि एक तो कस्टमर हमारे जो प्रोडक्ट है वो इजीली डिस्कवर कर सकता है, कैटेगरी के हिसाब से हमारे जो प्रोडक्ट्स है वो देख सकता है, नए प्रोडक्ट जो है वो हम उसमें डाल सकते हैं कि ये एक्सक्लूसिव नए प्रोडक्ट आए हैं वो भी कस्टमर जो है वो देख सकता है। दूसरा ये होता है कि अमेज़ोन के आउटसाइड अगर हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं, एडवर्टाइजिंग करते हैं, तो हम कस्टमर को या बायर को डायरेक्टली जो है वो अपने ब्रांड स्टोर पे लैंड करवा सकते हैं। मतलब अगर किसी एक्सटर्नल सोर्स से कस्टमर आता है तो वो डायरेक्टली हमारे अमेज़ोन के ब्रांड पेज पे जो है वो आ सकता है, वहाँ से आके हमारी ब्रांड के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो सारे वहाँ से एक्सप्लोर कर सकता है और वहाँ से बाइंग डिसीजन जो है वो ले सकता है। उसके बाद में जो ब्रांड स्टोर को क्रिएट करना भी काफ़ी ईजी है, इसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा कोडिंग वगैरह की रिक्वायरमेंट नहीं होती, कोई कोडिंग वगैरह नहीं करनी होती, सिंपल स्टेप होती है। सिंपल स्टेप में आप अपना जो ब्रांड स्टोर है वो क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा ब्रांड स्टोर के अंदर हमें स्टैटिक्स भी मिलते हैं, जब कोई भी विजिटर्स जो है वो हमारे ब्रांड स्टोर पे आते हैं तो उसके स्टैटिक्स भी जो है वो अमेज़ोन हमें प्रोवाइड करवाता है कि एक्सटर्नल सोर्स से अगर आपके ब्रांड स्टोर पे ट्रैफिक आ रहा है तो कहाँ से कस्टमर आ रहे हैं, कौन से सोर्स से आ रहे हैं, कौन सा प्रोडक्ट जो है वो परचेज़ कर रहे हैं, कितनी बार जो है वो पेज व्यूज़ हुआ है, कौन से प्रोडक्ट का जो है वो पेज व्यूज़ हुआ है, ट्रैफिक जो है वो कितना आ रहा है, सेल्स जो है वो आपकी ब्रांड पेज से कितनी आ रही है, एक्सटर्नल सोर्सेज से कितनी आ रही है, वो सारी इन्फॉर्मेशन भी जो है वो हमें मिल जाती है, इनसाइट जो है वो हमें इसका मिल जाता है। तो अगर हमारा रजिस्टर्ड ब्रांड है, ट्रेडमार्क हमारे पास में रजिस्टर्ड है, तो अमेज़ोन पे हम ब्रांड स्टोर जो है वो बना सकते हैं और वो हमें एक बार ट्राई जरूर करना चाहिए। काफ़ी सारे फीचर्स हैं इसके अंदर और काफ़ी सारे बेनिफिट्स भी हैं ब्रांड ओनर के लिए। जैसे कि अगर हम यहाँ पे चेक करें तो लुइस फिलिप ने जो है वो अपना ब्रांड स्टोर बना के रखा हुआ है। तो यहाँ पे ये देखिए, ये इन्होंने ब्रांड स्टोर बना के रखा हुआ है, जहाँ पे ये देखिए कितने बढ़िया तरीके से इन्होंने अपने जो प्रोडक्ट्स हैं वो शोकेस किए हुए हैं। यहाँ पे फॉर्मल शर्ट्स, कैजुअल शर्ट, टी शर्ट्स, मतलब प्रोडक्ट्स की कैटेगरी बनी हुई है। उसके अलावा यहाँ पे वीडियो भी है जो हम डाल सकते हैं। यहाँ पे भी देखिए काफ़ी बढ़िया तरीके से कैटेगराइज जो है वो किया हुआ है, कुछ बैनर्स जो है वो भी यहाँ पे लगा के रखे हुए हैं। तो काफ़ी बढ़िया रहता है, मतलब ब्रांड स्टोर अगर हमारा ब्रांड है तो हमें एक बार ट्राई इस चीज़ को करना चाहिए।
नेक्स्ट फीचर हमें अमेज़ोन ये प्रोवाइड करवाता है कि अगर हमने अमेज़ोन की ब्रांड रजिस्ट्री में एनरोल कर रखा है तो हम जो है वो A+ कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, या जिसको एनहेंस्ड ब्रांड कंटेंट बोलते हैं वो भी हम क्रिएट कर सकते हैं। देखिए एनहेंस्ड ब्रांड कंटेंट बेसिकली क्या होता है कि जैसा कि इससे नाम से ही पता चल रहा है, एनहेंस कर देता है ये हमारे कैटलॉग पेज को या हमारे प्रोडक्ट डिटेल पेज को। हम प्रोडक्ट की जो डिस्क्रिप्शन होती है, देखिए नॉर्मली जब हम प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं तो उसमें सीधी डिस्क्रिप्शन डालते हैं, लेकिन एनहेंस ब्रांड कंटेंट या फिर A+ कंटेंट से हम क्या कर सकते हैं कि प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन जो है वो डिटेल डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं, उसके अंदर हमारे बैनर्स डाल सकते हैं, प्रोडक्ट का जो कंपैरिजन है बाकी प्रोडक्ट्स के साथ में वो हम उसके अंदर डाल सकते हैं। इसके अलावा काफ़ी इमेजेस जो है वो हम डिस्क्रिप्शन में ऐड कर सकते हैं, और काफ़ी लंबी चौड़ी डिस्क्रिप्शन जो है वो प्रोडक्ट की डाल सकते हैं, एकदम अच्छे से अपने प्रोडक्ट को जो है वो डिस्क्राइब कर सकते हैं। आपने अमेज़ोन पर देखा भी होगा कि कुछ प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन के अंदर भी जो है बैनर्स लगे हुए होते हैं, प्रोडक्ट को जो है वो डिटेल में समझाया हुआ होता है, सारे फीचर्स जो है उसकी डिस्क्रिप्शन में एक अलग तरीके से बड़ी अमनेज तरीके से जो है वो दिए गए होते हैं। तो हम एनहेंस ब्रांड कंटेंट यूज़ करके या फिर A+ कंटेंट यूज़ करके हम अपने प्रोडक्ट डिटेल पेज को और ज़्यादा एनहेंस कर सकते हैं, और ऐसा अमेज़ोन का मानना है कि लगभग आपकी सेल में 5% तक इंक्रीज जो है वो एनहेंस ब्रांड कंटेंट से हो सकता है। मतलब अगर आप अपने प्रोडक्ट्स में एनहेंस ब्रांड कंटेंट यूज़ करते हो या फिर अपने प्रोडक्ट को A+ कंटेंट जो है वो यूज़ करते हो तो आपकी सेल इंक्रीज़ होने के चांसेस भी होते हैं 5% तक, हो सकता है कम भी हो सकते हैं ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन चांसेस होते हैं यहाँ पे सेल इंक्रीज़ होने के, और विजिबिलिटी भी जो है वो उसके भी बढ़ने के चांसेस जो है वो A+ कंटेंट में होते हैं। तो अगर हमारा ब्रांड जो है वो रजिस्टर्ड है तो हमें A+ कंटेंट जो है वो भी ट्राई करना चाहिए। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, उम्मीद करता हूँ आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। बाकी ई कॉमर्स से रिलेटेड वीडियोस के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।